नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरल डॉ के इस भाग में हम आपको बताने वाले हैं कुछ विशेष विशेष पॉइंट, तो चलते हैं शुरू करते हैं। कोरल डॉ के पिछले भाग में हमने सीखा था न्यूज से लेकर रिवर्ट तक, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक्वायर इमेज, एक्वायर इमेज आपको इससे आप किसी प्रिंटर के माध्यम से स्कैन कर इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो हमारे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ताकि आपको विशेष जानकारी मिल सके। तो हमारे वीडियो को, सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि हमारा जितना भी वीडियो बने आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से आप अपने कंप्यूटर में किसी भी इमेज को ला सकते हैं। जैसे में हमने इसको बड़ा ग्रुप कर देख लेते हैं, कौन सा इमेज हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा इमेज हमको लाना चाहिए, कौन सा इमेज नहीं लाना चाहिए। तो हमको ये टाइप का इमेज दिख रहा है, तो हम जो भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे उसको हम ला सकते हैं। तो चलते हैं इसको लाते हैं, इस इमेज को इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद इम्पोर्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो ये इमेज आने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप इस इमेज को जहाँ से पर क्लिक करिएगा वहाँ पे वो इमेज आ जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये इमेज बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा पिछला डॉक्यूमेंट को भी ढक दिया जा रहा है, तो हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि हम इसे एडजस्ट कर देते हैं कहीं। चलिए हम इसे एडजस्ट कर देते हैं, छोटा कर हम इसे एडजस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। तो आप जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं इसे, उस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये आपका एक्सपोर्ट हो गया नेक्स्ट पॉइंट। एक्सपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप के सामने इस टाइप का बॉक्स खुलेगा। आप एक्सपोर्ट से आप किसी भी डॉक्यूमेंट, यानी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को आप किसी अन्य फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे में हम अपने डॉक्यूमेंट को जेपीजी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम इसे पहले नामकरण करेंगे, इसका नाम डालेंगे, हम इसे डीजे रख देते हैं, नाम डीजे। नीचे आप जिस फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने जेपीजी को ही सिलेक्ट किया है, तो जेपीजी में आप जेपीजी पर सिलेक्ट कर दें, या जो करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही सिलेक्ट कर नाम डालकर एक्सपोर्ट पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस टाइप का खुल जाएगा। ये आपको इमेज साइज दिखा रहा है, आप इमेज का साइज इसमें डाल सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा आपको हो जाएगा। इंच में सेट करना चाहते हैं इंच में, मतलब कि हो जाएगा। कलर आप
भी चूज कर सकते हैं यहाँ। तो जो करना चाहते हैं, जितना बड़ा साइज करना चाहते हैं, जौन कलर करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये तीन तरह का कलर दिखा रहा है, चार तरह का भी दिखा रहा है, 32 बीट, 24 बीट, 8 बीट, 8 बीट। तो आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको GM बाइक के कलर सिलेक्ट किए हैं, तो जैसे ही सिलेक्ट कर ओके पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन खुल जाएगा, बॉक्स खुलेगा। आप इसको भी ओके करिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो देखते हैं डीजे नाम से फाइल हुआ कि नहीं, आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे, ये डीजे नाम से फाइल सेव हो गया है। इसको ओपन कर देख लेते हैं। ये देखिए डीजे नाम से फाइल दिखा रहा है। अब इसका देखना चाहते हैं किस टाइप में सेव हुआ है, ये JPG में सेव हुआ है कि क्या हुआ है, तो इसका प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हैं। देखिए टाइप फ्रॉम, टाइप ऑफ फाइल JPG इमेज, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस में आप अपने डॉक्यूमेंट को PNG फाइल में सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं सेव करके देखते हैं। आपका डॉक्यूमेंट दिखा रहा है इस टाइप से, आप जैसे ही ओके करिएगा, नाम डालने के लिए देख हम PJ कर देते हैं, PJ। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करिएगा आपका डॉक्यूमेंट PNG में सेव हो गया। अब देखते हैं PJ कहाँ गया, PJ, ये देखिए हमारा फाइल PJ में दिखा रहा है। अब इसका प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, देखिए ये हमारा टाइप ऑफ फाइल PNG इमेज, यानी PNG में ये सेव हो गया। ये देखिए PNG में सेव हो रहा है, ये इमेज PNG में सेव है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेंड, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को मेल या माई डॉक्यूमेंट में सेंड कर सकते हैं, या डिस्कटॉप पे भी सेंड कर सकते हैं। तो आप इससे, हम इसको सेंड करके देखते हैं, हम डिस्कटॉप पे ही सेंड करना चाहते हैं, तो डिस्कटॉप पे ही सेंड कर देते हैं। हमारा इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। अब देखते हैं कि सेंड हुआ कि नहीं। तो हमारा देखिए शॉर्टकट सेंड हो गया, इसका नाम देखिए शॉर्टकट बैकअप फॉर कोरल 1। तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया है। देखिए हम उस पर क्लिक भी कर रहे हैं तो यही खुल रहा है, देखिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले माना की पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।